मैंने आपको एक चीज का रिव्यू नहीं दिया, वो ये है कि अभी हम देख रहे हैं रेसिडेंट एवल मतलब कंप्लीट हो गई है, और उसका झोल थोड़ा ऐसा है कि रेसिडेंट एवल अच्छी है लेकिन बीच में थोड़ी असहनीय चीज़ें, असहनीय मतलब बोले तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि समझ में ही नहीं आएंगी और बोलेंगे अरे ये मतलब कुछ भी कर रहे हो यार, ये हो क्या रहा है। तो टाइम पास करना है तो देख लो, नेटफ्लिक्स पर है, अब सब्सक्रिप्शन मत मांगना। अभी बहन का रिज़ल्ट आया, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट रहा। अभी 10th और 12th का रिज़ल्ट आ चुका है CBSE का, तो अच्छा लग रहा है, फीलिंग प्राउड। बी ऑनेस्ट, बहुत सारे फैमिलीज़ में मे बी आई एम समवेयर रॉन्ग, कहीं कहीं जगह ऐसा भी होता है कि घरों में लोग अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते जो भी मार्क्स वो लाएँ, और ये मान के चलो कि भले ही वो कि बच्चों से कम मार्क्स लाए हों, पास हो गए हों, बॉर्डर पे पास हुए हों, या फिर जैसे भी निकले हों, लोगों को बस ये लगता है कि यार उनके बच्चे के अच्छा है, हमारे बच्चे क्यों नहीं आए, उनका बच्चा भी तो साथ में ही पढ़ता, उतनी मेहनत करता है, लोगों को यही लगता है कि यार बस उनका बच्चा बस दूसरों के बच्चे देखते हैं। तो आई एम ऑल्सो सेइंग टू ऑल द पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा दूसरों जितने मार्क्स नहीं ला पा रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम, थिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू इट, मोटिवेट करो, और आज नहीं तो कल, उसका रिजल्ट वगैरह डिसाइड नहीं करता कि फ्यूचर में क्या करेगा, आगे जाके वो कुछ ना कुछ कर लेगा। कोई अच्छे मार्क्स लाने वालों ने भी बहुत कुछ नहीं उखाड़ लिया, तो उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें समझाओ, लेकिन उन्हें ये बोल के मत बोलो कि दूसरों के बच्चे तुमसे अच्छे मार्क्स लाएँ तो थोड़ी तरक्की करो, देखो उनके बच्चे को। अगर वो मार्क्स जैसे भी लाएँ अप्रिशिएट करो, उसको मोटिवेट करो आगे के लिए कि अगली बार अच्छा, हर बार उसको डांटना या फिर किसी चीज़ के पीछे बोलना, उसको टॉन्ट कसना, उसको और डीमोटिवेट करेगा। एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ टू, कि मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है कि मैं भी कुछ ना कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने लोगों को देखा है, लोगों के घरों में देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यार पेरेंट्स जब अपने बच्चों की इज्जत सबके सामने बोलते हैं कि यार इसने तो ऐसा किया, बताओ उनके अच्छे ने, यार आपका बच्चा कर लेगा, लेकिन उसको आप सहारा दो। मैं मानता हूँ कहीं कहीं जगह स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन वो करेगा ज़रूर एक दिन, उसको सहारा दो, दूसरों के सामने उसको डीमोटिवेट मत करो। जब अपन उसकी इज्जत दूसरों के सामने उतारते हैं ना, तो सबसे बुरा लगता है उसको, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स ही उसको कहीं नहीं छोड़ रहे तो बाकी लोग क्या देखेंगे। प्यार से बैठ के समझाओ, आज नहीं तो कल लाएगा वो, अच्छे मार्क्स लाने ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में लेसन्स भी बहुत ज़रूरी होते, नॉट थ्योरी बट प्रैक्टिकल टू। बस प्यार करो, स्प्रेड लव। कैसे हैं आप? आपका लड़का जा रहा है ज़रा वॉलपेपर लेने, वॉलपेपर का काम है हमारे प्रोजेक्ट में, तो वॉलपेपर लेने जा रहा है, हम सिलेक्ट करने कौन सा क्या वॉलपेपर लगेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो लड़का इज़ लुकिंग स्मार्ट टुडे। तो भैया ज़रा वॉलपेपर सिलेक्ट करने आए थे, हमने बहुत सारे वॉलपेपर देखे, पर हमें चाहिए था वुडन थीम में, तो हमें ये पसंद आया। फिर हम लोग निकले गाड़ी की तरफ क्योंकि काम कम्प्लीट हो गया। भैया मैं एम बी नगर आया था, आप मानोगे नहीं, मुझे एक घंटा लगा है गाड़ी को पार्क करने में, ठीक है, क्योंकि एम बी नगर जोन 2 में तो जगह नहीं थी पार्किंग की, तो मैंने सोचा जोन 1 में पार्क कर दी। अब मैं अपना वॉलपेपर वगैरह सब डिसाइड करके आया, इतनी देर में भैया लोगों ने ऐसी गाड़ी खड़ी करी है मेरी गाड़ी के अगल बगल में कि मैं गाड़ी नहीं निकल पाया। फिर मैंने एक लड़के को बुलाया, उसके साथ आप मानोगे नहीं, गाड़ी को हमने डेडलिफ्ट करा है साइड करने को, एक घंटा हम लोग प्रयास करते रहे तब जाके मेरी गाड़ी निकली है। मेरे को 2 घंटे लग गए एमपी नगर में सिर्फ गाड़ी पार करने में और निकालने में, तो बड़ी गाड़ी से ना आए, बारिश हो रही है भीग जाओ, लेकिन भाई हो जाएगा। देखो यार, पूरे दिन काम करने के बाद राज भाई की नशीली चाय नहीं पी तो फिर कैसा दिन चलेगा। ये हम राज भाई की चाय पीने आए थे, राज भाई की चाय, वीडियो देखी राज भाई की चाय की कहानी क्या है, ये यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी।
देखो भैया, बहुत खतरनाक बारिश होने वाली, स्ट्रेंजर थिंग वाली वाइब आ रही है। देखो, दिखाएं आप। फिटनेस को अपनाना है, कोरोना को हराना है, राज भाई को अपना बनाना है। हाय हाय।